वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के जो है थर्ड पार्ट में पहुंच रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया, हमने प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस थे, मतलब कि लाइक कार्ड्स, क्वाइन, डाइस एंड बॉल्स, इन सब के कॉन्सेप्ट को, कार्ड्स के जितने कॉन्सेप्ट थे, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पर जरूरत है कुछ क्वेश्चंस की, ताकि समझ तो आए कि हमें कितनी समझ आई है। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पूरी की पूरी जो प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ आगे आने वाले 3-4 वीडियोज़ में हम जो है अभी क्वाइन के बारे में बात कर रहे हैं, आगे हम लोग डाइस के बारे में बात करेंगे, फिर कार्ड्स के बारे में बात करेंगे एक सेपरेट वीडियोज में, ताकि आपको ज़्यादा बोझिल भी ना हो आप लोग, कि आप लोग लंबी वीडियोज देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ हिंट्स दे रखा, जैसे आप सभी को अगर पता होगा, अगर नहीं आप लोगों ने वीडियोस देखा तो फर्स्ट सेकंड वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, तब यहाँ पर आइएगा, अदरवाइज ऐसी समझ में नहीं आएंगी आपको। यहाँ पर मैंने कुछ हिंट्स दे रखा कि अगर 1 क्वाइन है तो हेड या टेल आ सकता है, और अगर यहाँ पर 2 क्वाइंस है तो हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड का कॉम्बिनेशन बनता है। मतलब कि अगर 1 क्वाइन है तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स होते हैं वो 2 होंगे, अगर 2 क्वाइंस हैं तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स होंगे वो 4 होंगे, अगर 3 क्वाइंस हैं तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, तो मान के चलो कि आप लोगों को पता ही है। अगर ये सारी चीज़ें पता हैं तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, 6 क्वेश्चंस हैं 2 क्वाइंस के लिए और 6 क्वेश्चंस हैं 3 क्वाइंस के लिए। तो आइए इस चीज़ को जरा हम जल्दी से समझते हैं। क्वेश्चंस है 2 हेड्स, मतलब 2 क्वाइंस के बारे में भी क्वेश्चन है, 1 क्वाइंस के बारे में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जनरली इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर 1/2 होता है, इसमें क्या आ सकता है, ऐसे 1 क्वाइन फेंका जा रहा है तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे। अब देखिए फॉर्मूला को याद है ना, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यही हुआ करता था ना फॉर्मूला। अब यहां पे मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स में हमेशा हम क्या लिखते हैं, जितने क्वाइन की बात हो रही है, एक क्वाइन की बात हो रही है तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं, तो डिवाइड बाई ये तो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो जरा देखिए हेड कितनी बार आया हुआ है, एक बार, तो 1/2 आंसर हो गया। क्वेश्चन पूछा टेल आने की पॉसिबिलिटी, तो टेल कितनी बार आया हुआ है, टेल एक बार, तो यहां पर 1/2 यहां भी हो जाएगा, चाहे हेड हो या टेल हो। इसी में अगर पूछते हेड ना आने की पॉसिबिलिटी, हेड ना आने की पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, वो भी 1/2, और टेल ना आने की पॉसिबिलिटी वो भी 1/2, इज क्लियर। तो 1 क्वाइन के लिए क्वेश्चंस आते भी नहीं है, मेनली क्वेश्चंस 2 क्वाइंस है 3 क्वाइंस के लिए आएंगे। अब इसी बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहला लिखा हुआ कि अगर मैंने 2 क्वाइंस फेंका, ऐसे ये भी याद रखिएगा, एक ही क्वाइन को बोला जाए कि 3 बार फेंका जा रहा है तो दिमाग में आपके रहना चाहिए कि 3 क्वाइन का क्वेश्चन है, अगर एक ही क्वाइन को 2 बार फेंका जा रहा है तो दिमाग में रहना चाहिए कि 2 क्वाइन का क्वेश्चन है वो, इज क्लियर। एक क्वाइन को एक बार फेंका गया तो 2 बार टोटल आउटकम, अगर एक ही क्वाइन को 3 बार रैंडमली फेंका जा रहा है अगर, तो हमारा टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 8, अगर 2 बार फेंका जा रहा है टोटल आउटकम्स 4, अगर अब 2 क्वाइन को एक बार फेंका जा रहा है तो 4, 3 क्वाइन को एक बार फेंका जा रहा है तो 8, इज इट क्लियर। चलो 2 क्वाइंस है, अब यहां पर लिखा अगर 2 क्वाइन को फेंका जा रहा है तो 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो सबसे पहले तो आंख बंद करके 2 क्वाइन का क्वेश्चन है तो नीचे हमेशा कितना रहेगा, 4 हमेशा रहेगा, ये याद रखना है, बस हमें ऊपर चेंज करना है और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम डिवाइड करके देखेंगे। अब यहां पर लिखा हुआ तो है क्वेश्चंस में 2 हेड्स, मतलब 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो जरा देखो 2 क्वाइन में 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी, 2 हेड कहां पर आया हुआ, यहां एक ही हेड है, यहां भी एक हेड, यहां हेड ही नहीं है, यहां पे 2 हेड है, 2 हेड कितनी बार आया हुआ है, एक बार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, 1/4, इट क्लियर। नाउ 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी, या देखो 1 हेड कितनी बार आया हुआ है, यहां पे कितनी हेड आए हुए हैं, 2 हेड आए, तो ये तो काउंट नहीं होगा, यहां पे हेड है, हेड ही नहीं, यहां पर 1 हेड यहां भी है, 1 हेड यहां पर भी है, मतलब तुम्हारे फेवर में कितने बार हेड आ रहा है, 2 बार, तो यहां ऊपर क्या लिख दोगे, 2/4, इसको कट कर लो कितना आ जाएगा, 1/2, 1 जा 2, 2 जा 4, आंसर 1/2 आ गया। मतलब देखो नीचे में चेंज नहीं करना, सिर्फ ऊपर ही लिखते जा रहे हैं हम लोग, ये हो गया। 1 टेल्स, जरा देखो 1 टेल कितनी बार आया हुआ है, यहां तो टेल ही नहीं है,
यहाँ तो दो टेल आया हुआ है, वन टेल कितनी बार है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, तो वन टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये भी 2/4। इतना क्लियर है। चलिए नाउ वन टेल्स हो गया। अब इस क्वेश्चन को जरा चौथे और पांचवें को जरा ध्यान से सुनना। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आने की पॉसिबिलिटी, कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम, एक से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा हो सकता है, वर्डिंग समझ में आ रही है ना, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो उसको भी काउंट करेंगे हम, लेकिन एक हेड तो होना ही होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से कम मतलब जीरो हो गया, तो कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड तो है इसके पास, दो है चलेगा, हमको एक है तो चलेगा, मतलब नहीं है, इसके पास भी कम से कम एक हेड है, इसके पास भी कम से कम एक हेड है, इसके पास कम से कम एक नहीं है, तो 1, 2, 3, तो हमारा फेवर में कितने आउटकम्स आ गए, 3/4। इज इट क्लियर। चलिए ठीक है। नाउ अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां होने वाला है, जब उन्होंने बोला कि एटमोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक, अधिकतम एक हेड होना चाहिए, अधिकतम एक हेड का मतलब एटमोस्ट वन हेड, अधिकतम एक हेड मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट क्लियर। अधिकतम एक हेड, अधिकतम एक चाहिए था, लेकिन इसके बाद कितना हो गया, दो हो गया, इसको काउंट नहीं करेंगे हम, अधिकतम एक हेड, ठीक है एक है इसके पास, ये काउंट होगा, अधिकतम एक हेड है इसके पास, ये काउंट होगा, अधिकतम एक हेड। अब यहां कहोगे यार हेड तो है ही नहीं यहां पर, लेकिन मैंने बात अधिकतम की है ना, न्यूनतम की नहीं ना। जैसे मैं बोलूं कि मैं अधिकतम, मान लो कि 100 नंबर का टेस्ट हुआ मेरा, मैंने कहा, फादर ने पूछा बताओ बच्चे कितना नंबर पाओगे, तो मैंने कहा कि फादर मैं 100 में अधिकतम 70 नंबर पा जाऊंगा। क्लियर। अधिकतम 70 नंबर पाऊंगा, मैक्सिमम 70 पाऊंगा। अब मेरे नंबर आ गए 0, तो क्या मैंने गलत बोला था, गलत नहीं ना बोला है, मैंने तो अधिकतम बताया था कि अधिकतम 70 पाऊंगा, 70 से ऊपर तो नहीं गया ना, 70 से नीचे ही है, और 70 से नीचे कुछ भी हो सकता है, 0 भी 70 से नीचे है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब भी कहीं एटमोस्ट की बात हो कि अधिकतम, तो उस अधिकतम से नीचे वाली सारी संख्याएं काउंट होगी। ठीक है, अधिकतम एक कह रहा है तो एक के नीचे 0 भी आता है। क्लियर। हमेशा याद रखना, जब भी कहीं एटमोस्ट आएगा तो अधिकतम एक हेड, तो अधिकतम एक हेड है, एक से ज्यादा नहीं चाहिए हमको, अधिकतम एक हेड यहां भी है, अधिकतम एक 0 है, काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतम एक चाहिए, मतलब मैक्सिमम एक रहना चाहिए, एक से कम में तो कोई बात नहीं है, एक से कम भी चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके कहने का मतलब यही है। तो यहां पर 1, 2, 3 ये भी काउंट हो जाएगा, और ये भी आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। इट क्लियर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन दोनों में फिर से अंदर समझ लो, क्योंकि यही चीज यहां भी आने वाली है, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम, मैंने बोला दोनों में अंतर समझो, मैंने फादर से बोला कि फादर मैं कम से कम 70 नंबर पाऊंगा मैं 100 में, कम से कम 70 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं फादर से ये कहना चाह रहा हूं कि 70 से नीचे नहीं जाएगा नंबर, मेरे कहने में बात समझ रहे हो ना, 70 नंबर कम से कम पाऊंगा मैं, इसका मतलब फादर ये सोच सकते ना कि 70 तो मिलेगा ही, 70 से ऊपर भी मिल सकता है। क्लियर। अगर मैं बोल रहा हूं अधिकतम 70 पाऊंगा, इसका मतलब कि 70 से ऊपर तो मैं जाऊंगा ही नहीं, 70 से नीचे ही रहूंगा। अब नीचे कितना रहूंगा, 60 हो सकता है, 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, हो सकता है ना। तो सेम ऐसे ही जब मैं यहां अधिकतम की बात कर रहा हूं कि अधिकतम एक हेड, तो अधिकतम एक हेड में एक तो काउंट होगा, और जिसके पास एक नहीं वो भी काउंट होगा, लेकिन एक से ज्यादा वाला काउंट नहीं होगा, एक से ज्यादा है ये काउंट नहीं होगा, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे 3/4 लिखा। नाउ नो हेड्स, कोई हेड ना हो, यहां पर हेड है, यहां भी हेड है, यहां भी हेड है, नो हेड, यहां पे कोई हेड नहीं है, तो ये काउंट हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 1/4। ये क्लियर है आप सभी को? ठीक है, इसको इरेज करूं मैं। नाउ थ्री क्वाइंस के लिए आ जाते हैं हम लोग। थ्री क्वाइंस में लिखा हुआ है ऑल हेड्स। थ्री क्वाइंस में कितनी बार ऐसा तुम्हें दिख रहा है कि जहां पे तीनों पर ऑल हेड है, केवल एक बार। और एक चीज याद रखना, जब भी थ्री क्वाइंस का क्वेश्चन है तो नीचे हमेशा 8 ही रहेगा, टोटल आउटकम्स हमारा 8 रहेगा। अब बाकी हमारे फेवर में क्या आ रहा है वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। ऑल हेड्स जरा देखो, ऑल हेड्स कितनी बार आया हुआ है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, ये एक बार दिख रहा है कि यहां पर ऑल हेड्स है, मतलब
एक बार ऐसा हुआ है जब ऑल हेड से, तो 1/8, तो 1/8 हमारा आंसर हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, टू हेड्स, टू हेड्स जरा देखो कितनी बार आया हुआ है, टू हेड्स की बात हो रही है केवल, यहां पर तो थ्री हेड्स आया हुआ है, यहां पर टू हेड्स, यहां पर है एक, यहां पर है दो, यहां पर है तीन, और बाकी कहीं नहीं है, तो कितना हो गया 3/8, इज क्लियर। तो 3/8 हमारा ये आंसर हुआ। फिर आया यहां पर वन हेड्स, मतलब एक हेड आया हो, यहां तो तीन आया हुआ है, यहां दो आया हुआ है, यहां भी दो आया हुआ है, यहां भी दो आया हुआ है, यहां पर एक हेड है, यहां पर एक हेड है, यहां पर एक हेड है, मतलब 3/1, 2, 3, तीन बार ऐसा हुआ है, तो फिर से वही आंसर आ गया 3/8, इज क्लियर। चलिए तो 3/8 ये भी आ गया। अब फिर से वही एटलीस्ट एटमोस्ट एटमोस्ट, इसको फिर से ध्यान से देखिए, ये 8 तो रहेगा, ये सुकून दे रहा है ना, 8 है, कोई चेंज नहीं करना है। यहां पर अब एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड होने चाहिए, कम से कम दो हेड होने चाहिए, दो से कम नहीं होना चाहिए, दो से ज्यादा वाला काउंट होगा लेकिन कम से कम दो होना चाहिए, कम से कम दो, कम से कम दो है इसके पास, चलेगा, कम से कम दो है, कम से कम दो है इसके पास, कम से कम दो है इसके पास, कम से कम दो है इसके पास, कम से कम दो नहीं है, एक नहीं चलेगा, कम से कम दो होना ही चाहिए, अधिक कितना भी हो जाए चलेगा, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी दो नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी, कम से कम दो का मतलब बताया ना अभी, कम से कम दो जब बोल रहा हूं तो दो तो होना ही चाहिए, दो से कम नहीं हो सकता है, ठीक है, कम से कम दो मतलब निचली वाली, मतलब लोअर लिमिट मैंने फिक्स कर दी है कि लोअर दो होना चाहिए, दो से नीचे नहीं होना चाहिए, दो से ऊपर हो सकता है, तो दो होना चाहिए, दो से ऊपर है काउंट होगा, दो से ऊपर हो सकता है, दो से नीचे नहीं होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 इन सबके पास नहीं है, आंसर हो गया हमारा 4/8, इसको कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है एटमोस्ट टू हेड्स, अधिकतम दो हेड होना चाहिए, अधिकतम दो हेड का मतलब दो हेड हमने अधिकतम की लिमिट फिक्स कर दी है कि दो हेड मैक्सिमम है, दो हेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, दो हेड से नीचे चलेगा, दो हेड से ऊपर नहीं होना चाहिए, दो हेड से नीचे का मतलब एक हेड हो चलेगा, जीरो हेड है वो भी चलेगा, लेकिन दो हेड से ऊपर नहीं होनी चाहिए लिमिट, अधिकतम दो हेड होना चाहिए, अधिकतम दो हेड, अधिकतम दो हेड बोला था लेकिन इसके पास कितने हेड हो गए, 3 हेड हो गए, ये काउंट नहीं होगा, अधिकतम दो हेड ठीक है, अधिकतम दो हेड है इसके पास भी, अधिकतम दो हेड इसके पास भी है, अधिकतम दो हेड, दो से अधिक नहीं होना चाहिए, मैंने बोला ना दो से कम हो सकता है, दो से कम है चलेगा ये भी काउंट होगा, दो से कम है चलेगा ये भी काउंट होगा, दो से कम है चलेगा ये भी काउंट होगा, एक भी नहीं है लेकिन दो से कम है ना, एक भी नहीं मतलब जीरो है तो ये भी काउंट होगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर्स हमारे फेवर में आ गए, ये क्लियर हो रहा है ना। नाउ एटमोस्ट वन हेड, अधिकतम एक हेड, अधिकतम एक हेड का मतलब हमने अधिकतम की लिमिट फिक्स की है, ऐसे हमेशा याद रखा करें जब हम बोले कि एटलीस्ट टू हेड तो मतलब कि हमने नीचे की लिमिट फिक्स कर दी है कि दो होना चाहिए, नीचे की लिमिट, ऊपर की लिमिट फिक्स नहीं की है, नीचे की लिमिट फिक्स की है मतलब अब इससे नीचे वाला काउंट नहीं होगा, दो से जो कम होगा वो काउंट नहीं होगा, दो से ऊपर वाला काउंट होगा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि एटमोस्ट अधिकतम, अधिकतम वन हेड बोल दिया हमने, अधिकतम वन हेड जब बोल दिया तो इसका मतलब हमने अधिकतम की लिमिट फिक्स कर दी है कि वन, अधिकतम वन होना चाहिए, वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वन से कम हो सकता है, अधिकतम वन हेड, अधिकतम वन हेड चाहिए था, इसके पास तीन हो गया, इसने लिमिट क्रॉस कर दी, इसको काउंट नहीं करेंगे, अधिकतम वन हेड इसने भी क्रॉस कर दी लिमिट, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, अधिकतम वन हेड इसने भी काउंट क्रॉस कर दी लिमिट, नो काउंट, अधिकतम वन हेड दो है इसके पास, अधिकतम वन वन है, अधिकतम वन वन है, अधिकतम वन अधिकतम है, अधिकतम वन हेड, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम तो हो सकता है ना, तो एक से कम है, जीरो है बेचारे के पास, तो ये चारों काउंट हो जाएंगे और आंसर होगा 4/8, ये क्लियर है सभी को। चलो अब ये सारे क्वेश्चंस हमारे क्वाइंस के हैं, जितने इसमें टिपिकल भी क्वेश्चंस से जो थे वो सारे मैंने बता दिए हैं, इससे बाहर कुछ क्वेश्चंस क्वाइन बेस पर नहीं आना है, इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लो, और खासकर ये एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट एटमोस्ट इसको याद कर लो, और कई बार इसमें आता है कई बार एग्जैक्ट, एग्जैक्ट टू हेड, ऐसे कहीं आ गया कि एग्जैक्ट टू हेड,
तो एग्जैक्ट का मतलब ना दो से ज्यादा ना दो से कम, केवल जिसके पास दो होगा वही काउंट होगा। इसमें काउंट करना तो एग्जैक्ट टू हेड बस यहां पर आया हुआ है, टू कॉइन होगा तो 1/4 हो जाएगा। इसमें अगर एग्जैक्ट टू हेड की बात होगी तो कहां कहां टू हेड है, एग्जैक्ट यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, बस इन तीन जगहों पर है, तो 3/8 हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये एटलीस्ट एटमोस्ट एग्जैक्ट इन वर्ड्स को अच्छे से याद रखना। इज इट क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे डाइस के क्वेश्चंस के साथ, डाई के क्वेश्चंस के साथ, और उसके क्वेश्चंस को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।